तो गाइस आज के टाइम पे अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क के हिसाब से हो, क्रिएटर हो इवन, या फिर एडिटर वगैरह हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, तो वहां पर भाई साहब पीडीएफ को मैनेज करना इज बाय फॉरमोस्ट थिंग हो जाती है। काम इंपॉर्टेंट हो तो और ज्यादा हो जाती है। एंड रिसेंटली मैं भी देख रहा था, एज अ नॉर्मल यूजर अगर आपको पीडीएफ वगैरह एडिट करनी होती है, नोट करना होता है, साइन वगैरह ऐड करने होते हैं, या फिर अलग अलग फीचर्स वगैरह यूज करने होते हैं, तो वहां पर भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये बड़े बड़े क्रिएटर्स, प्रोफेशनल बंदे क्या यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भाई साहब निकल के एक ऐसा टूल जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त है, UPDF। इसके अंदर आपको AI पावर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एक से एक। नॉर्मली हमारा काम क्या होता है, PDF को व्यू करते हैं, एडिट करते हैं, नोट करते हैं, साइन वगैरह ऐड करना है, कन्वर्ट करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, ट्रांसलेट करनी है, एज अ समरी फॉर्म में बनाना। भाई मैं भी हैरान हो गया, सारा काम UPDF करके दे रहा है। एंड मजे की बात तो है, एक ही लाइसेंस से आप अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हो, वेदर इट इज आपको फोन में चलाना है, आईफोन यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो, मैक ओएस के अंदर चलाना है, पीसी के अंदर, विंडोज में चलाना है, सब में एक ही लाइसेंस से एक्टिवेट। तो चलते हैं इधर पीसी स्क्रीन पे, तगड़े तगड़े AI पावर जबरदस्त फीचर्स, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली अपना पीसी स्क्रीन पे आ चुके हैं, UPDF का मैंने यहाँ पर अपना फाइल एक्सपोर्ट कर ली है। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें काफी सारे पेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं नीचे स्क्रोल डाउन करके आपको दिखा पा रहा हूँ, कम से कम 50-60 पेज डाल रखे भाई मैंने इसमें। एंड अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में फाइल में ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रिएट करने का, ओपन करने का, टैब वगैरह। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड साइड पे एडिट PDF, प्रिपेयर करने का, रिडैक्ट का ऑप्शन है, इसको भाई बाद में खोल के दिखाते हैं आपको क्या सीन है। ऑर्गेनाइज कर सकते हो, पेजेस वगैरह डिलीट करने होते हैं, जो भी सारी चीज़ होती है ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्रॉप कर सकते हो अगर पेज वगैरह, कोई इमेज वगैरह को क्रॉप करना, तो यहाँ से तो PDF क्रिएट करनी है, एडिट करनी है, जो भी काम करना है सारी चीजें एक एक करके देखते हैं UPDF AI के साथ। राइट हैंड साइड में पैनल में जाते हैं, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑर्गेनाइज करने का, एक्सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट पासवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मतलब अलग अलग चीजें आपको सारी देखने को मिल रही है। एंड नीचे आपको UPDF AI नेक्स्ट लेवल काम देखने को मिल रहा है, ChatGPT इंटीग्रेशन दे दिया, आप ये समझ लो, लगा लो मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉप सिटीज इन यूरोप। भाई तगड़े तरीके से रिसर्च करके जो जो तगड़ी तगड़ी सिटीज हैं यूरोप के अंदर, मतलब एक तरीके से आपका AI वाला काम, ChatGPT वाला काम पूरा इंटीग्रेट करके दे दिया UPDF वालों ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही। लाइक कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पर आपको UPDF AI के अंदर साथ ही साथ समराइज का, ट्रांसलेट का, एक्सप्लेन का, तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसलेट में जाऊंगा तो अलग अलग लैंग्वेज है, लाइक फ्रेंच पे मैं क्लिक करूंगा तो भाई यही आपकी जो लाइन है इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करके दे देगा। समराइज करना है तो अगर तीन लाइन की आपकी PDF में कोई लाइन लिखी है, समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में डाल देगा। एंड यहाँ पे ऊपर फाइल की तरफ आऊंगा तो एक्सपोर्ट वगैरह में अभी आपको काफी ज्यादा वैरायटीज मिल जाती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, CSV में, एक्सेल में, इमेज में, जिस भी फॉर्मेट में आप करना चाहते हो वो सारे आप यहाँ से कर सकते हो। क्रिएट भी कर सकते हो PDF फॉर्म में, PDF टू वर्ड, PDF टू एक्सेल। एंड अब बात करूं भाई एडिट करने की, तो ये जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मुझे फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो ये आपको पूरा कंट्रोल मिल रहा है इन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको। ये लो भाई मैंने बोल्ट कलर डाल दिया है। एंड मुझे इसका साइज थोड़ा सा कम करूंगा तो भाई नहीं अच्छा लग रहा, 40s में जाते हैं, आ जाओ भाई 40 64, अच्छा 40 में मुझे लग रहा सही होगा, हाँ ये सही लग रहा है। अब मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो कर दूंगा, मैं कलर बोल्ड कर दूंगा। एंड मुझे ब्लैक कलर सही लग रहा है तो भाई इसको ब्लैक कलर यहाँ से मैं ब्लैक कर दूंगा। एंड ये अपना डन सीन। और अपना इमेज के ऊपर जाऊंगा तो भाई आप इमेज पीछे को फ्लोट भी कर सकते हो, अगर आपको इमेज को रोटेट करना है, फ्लिप करना है, फ्लॉप करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, भाई एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। लो एक्सट्रैक्ट मार के दिखाता हूँ आपको, ये अपना गैलरी के अंदर आ जाएगी, डाउनलोड कर लूँगा PNG में, नहीं अपना JPG में कर लूँगा। ये सारे आपको फॉर्मेट्स देखने को मिल रहा है, PNG में करते हैं, एक्सट्रैक्ट मारते हैं, ये अपना भाई साहब डाउनलोड्स में डाल दिया, सेव करूँगा यहाँ से। एंड दैट्स इट, लो भाई अब इमेज खोल के दिखाता हूँ, डाउनलोड होगी भाई, काम ही खत्म। मतलब भाई PDF से इमेज में डाउनलोड करके ले आया हूँ, देख रहे हो, मतलब मजा अलग आ रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब नीचे आऊंगा तो यहाँ पर आपको वाटर मार्क का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर वाटर मार्क जैसे होता है ना भाई, काम करने के बाद भाई वाटर मार्क डालना पड़ जाता है कि भाई यहाँ ये मैंने बनाई है PDF, असाइनमेंट वगैरह में काम ज्यादा होता है इन सारी चीजों का, तो यहाँ पर मान लो मैं विशाल डाल दूंगा। ओपेसिटी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर आपको राइट में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, और मल्टीपल वाटर मार्क्स भी लगा सकते हो, ऐसे होता है ना पूरे पेज पे एक वाटर मार्क चल रहा होता है जैसे कि ये देखो। एंड अब पूरे पेज पे आपको एक वर्ड हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो इस तरह से भी लगाते हैं। बाकी सिंगल अभी के लिए सही लग रहा है तो अभी के लिए सिंगल लगा लेते हैं। इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पर अगर मुझे पीछे कुछ इमेज चेंज करनी है तो वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर वगैरह मुझे ऐड करना है बैकग्राउंड के अंदर, मतलब मल्टीपल कलर्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो भी आपको बैकग्राउंड में कलर स्विच करना है तो वो आप यहाँ से फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपका मन है, जो भी आपको थीम पसंद आ रही है। एंड दैट्स इट। अब बात कर ले भाई टेक्स्ट की, अब मैं यहाँ पर आपको स्विरिंगली जो वर्ड के नीचे हाईलाइट्स होते हैं ना भाई, अंडरलाइन कर सकते हो, थोड़ा सा
ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट से पेंसिल से कर देते हैं। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ मैं, अगर मुझे हेडर फुटर डालने हैं तो वो भी कर सकता हूँ। पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, तो भाई लो यहाँ से मैं आपको पूरा अपना करके दिखाता हूँ। येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर मैं मल्टीपल कलर स्विच कर सकता हूँ। तो ये सारा था आपको थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दे दिया। बाकी अब टेक्स्ट अलग से डालना है तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ अलग से, यूरोप इंटरनेशनल। एंड अब इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। पेंसिल आपको दे रखी है भाई लो। सब्सक्राइब नहीं करा गया अभी तक, सब्सक्राइब करो भाई। ड्राइंग फुल एकदम चल रही है अंदर। उसके बाद स्टिकर्स वगैरह होगा, आपको पूरा कंट्रोल देखने को मिल जाता है अलग अलग। ये हमने बिहाइंड द सीन का स्टिकर लगाया, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आओ भाई इसको नीचे लेके आता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है ना। ये पोजिशनिंग ओके लग रही है। बाकी अब मुझे लिंक वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पर आप लिंक भी ऐड कर सकते हो। एक मैं अपनी PDF उठा लेता हूँ कोई भी, या फोटो वोटो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डाल दूंगा, क्लिक कर दूंगा, तो अब जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली फोटो खुल जाएगी। तो PDF के अंदर आप इस छोटे से लिंक से भाई साहब पेंसिल जैसा यहाँ पे डाल दिया मैंने, एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे लिस्टिंग डाल दूंगा नीचे, लिंक हेयर यहाँ मैंने डाल दिया। कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो फोटो खुल जाएगी जो भाई साहब अटैच कर दिया हमने। लिंक हो गया, बाकी आपको अप्रूव करना है, रिव्यू करना है, रिसीव करना है। ज़्यादातर आपने कॉन्ग्रेचुलेशन अप्रूव वगैरह दिख जाता है PDF में, तो अप्रूव यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी ऑर्गेनाइज करना है तो भाई कोई पेज को रिप्लेस करना है, डिलीट करना है, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। एंड अब मुझे कोई पेज को इंसर्ट करना है तो यहाँ से मैं मल्टीपल पेजेस को इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे मेरा इंसर्ट हो गया। बाकी अगर मुझे रिप्लेस करना है तो भाई आगे पीछे लगाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और पूरा पेज ही हटाना है तो भाई उसको भाई साहब रिप्लेस भी मार दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑर्गेनाइजिंग का आपको पूरा फीचर देखने को मिल रहा है, लेफ्ट राइट रोटेट फ्लिप वगैरह, मतलब एक से एक तगड़ी तगड़ी चीजें हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हो, पूरा एक बारी में उड़ाना तो भाई सारे भी उड़ देंगे, डिलीट पेजेस मल्टीपल फाइल एक बारी में उड़ देंगे। ये लो जो फीचर आपको देखने को मिल रहा है क्रॉप वाला, तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली क्रॉप कर सकता हूँ। लेफ्ट से क्रॉप कर दिया, अब बॉटम से भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ, एंड राइट से भी हल्का हल्का क्रॉप कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट से भी मार देते हैं सर क्रॉप, एंड नीचे आपको बॉटम राइट में क्रॉप पे क्लिक करूंगा, एंड दैट्स इट, यहाँ से मेरा क्रॉप हो गया। एक्सपोर्ट भी जाऊंगा तो वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सारे फॉर्मेट दे रखे एक्सपोर्ट करने के अपनी PDF को। एंड यहाँ से मैं अपना लिंक कॉपी भी कर सकता हूँ, और मुझे सेव करना है, लगा लो थोड़ी देर बाद आके दोबारा खोलनी है, तो सेव का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, सेव, सेव एज, एंड रिड्यूस का फाइल साइज का रिड्यूस करना है, हाई क्वालिटी में चाहिए, मीडियम में चाहिए, लो में चाहिए, मैक्सिमम में चाहिए, मैक्सिमम करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मेन आ जाता है भाई साहब जो फीचर है पासवर्ड सिक्योरिटी का, यहाँ पर भाई मैंने पासवर्ड डाल दिया UPDF123, ठीक है। PDF पे पासवर्ड लगा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अप्लाई करूँगा। अब भाई इस PDF को खोल के देखते हैं, यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा, एंड दैट्स इट। अब मैं इस PDF को खोलूंगा, पासवर्ड मांगेगा सर, यहाँ पर डाल देते कोई दिक्कत नहीं, UPDF123, सिंपल पासवर्ड रखता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है भाई, अरे गहरे नथू ठहरे वाले वर्ड्स नहीं, ये हमने डाल दिया भाई UPDF123। पासवर्ड वगैरह लगाना है सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, अगर कहीं पे भेज रहे हो और भाई डर रहता है ना भाई चार बंदे और, मतलब यार घपलेबाजी ना हो जाए कहीं पे, तो पासवर्ड लगा के भेजो फुली सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ, बढ़िया। तो ये सारे थे मज़ेदार फीचर्स UPDF के। बाकी एक्सक्लूसिव ऑफर और डिस्काउंट के लिए लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो डायरेक्टली वहाँ से चेकआउट मार सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना, वीडियो अच्छी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अभी तक चैनल पे नहीं हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करते हुए अभी के अभी जाओ, एंड डू इट द थम्स अप, एंड टिल देन बाय बाय।